हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ फ्रॉम के एम मांगर। दिस इज़ द सेकंड वीडियो फॉर चैप्टर फोर्थ क्रिस्टलोग्राफी। एंड यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिस्टल फॉर्म्स, क्लासेस ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्विनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आप गेट, नेट, GSI या IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कीजिए जियो खान जियोलॉजी एंड यू कैन प्रिपेयर विद अस। सो हियर आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉर्म हुज फेसेस एनक्लोज स्पेस एंड दे कैन एग्जिस्ट अलोन। सो दीज फॉर्म्स आर नोन एज द क्लोज फॉर्म्स। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस इमेजिन अ क्यूब दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस। सो इसके काफ़ी सारे फेसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, देन द बॉटम, फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ। सो ऑल ऑफ दीज फेसेस, इन सभी को मिला करके एक क्लोज स्पेस बनता है। सो दे आर नोन एज द क्लोज्ड फॉर्म। बट अगर हम कुछ ऐसे फॉर्म्स को लेते हैं सच एज द पिनाकॉइड्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टेट्रागोनल पिनाकॉइड। सो यहाँ पर क्या होता है, ये दो फेस से मिलकर बना होता है एंड ये हमारे स्पेस को ओपन रखते हैं, ये ओपन स्पेस है। सो दे आर नोन एज द ओपन स्पेस फॉर्म्स और द ओपन फॉर्म्स। सो हियर सेकेंड ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज विच डू नॉट पजेस प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड। सो दोज फॉर्म्स जिनमें प्लेन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एबसेंट रहती है, दे आर नोन एज द इनेंशियोमॉर्फिक फॉर्म। देन थर्ड क्वेश्चन इज लोएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स आर फाउंड। सो लोएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ट्राइक्लिनिक सिस्टम में मिलते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें हाइएस्ट नंबर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, देन दे आर एसोसिएटेड विद द क्यूबिक सिस्टम। यहाँ पर कि हमको 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 एक्सेस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है, द नॉर्मल क्लास ऑफ क्यूबिक सिस्टम। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन इज द लॉन्ग एक्सेस ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम इज नॉन एज। सो जैसे ही हम ऑर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम्स की ओर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर ए एंड बी एक्सेस नहीं होती हैं, वहाँ पर दोनों एक्सेस की लेंथ में डिफरेंस होता है। दैट्स वाई देर इज़ अ लॉन्ग एक्सेस एंड दिस लॉन्ग एक्सेस ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम इज नॉन एज योर मैक्रो एक्सेस। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन इज प्रिज्म ऑन ऑलवेज। सो वी हैव द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक प्रिज्म, पिरामिड, पीडियंस, पिनाकॉइड्स। सो आउट ऑफ दोज इफ वी टॉक अबाउट द प्रिज्म, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू द सी एक्सिस। लेट अस कंसिडर एज एन एग्जाम्पल वी हैव अ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। सो हियर यू हैव द ए एक्सिस, बी एक्सिस एंड दिस इज द वर्टिकल सी एक्सिस। सो इफ देयर इज अ प्रिज्म, इट विल ऑलवेज पैरेलल टू द सी एक्सिस। यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन फेस। सो जैसा कि अभी ने बताया काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, आउट ऑफ दोज वी हैव द पीडियन, पीडियन इज हैज ओनली वन फेस। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर सेवन्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल क्रिस्टलाइज्ड इन द नॉर्मल क्लास ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम। इस तरीके के क्वेश्चंस भी अधिकतर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो अगर हम बात करें व्हाट ऑर्थोरॉम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, सो बेराइट इज क्रिस्टलाइजेज इन द ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम, नॉर्मल क्लास ऑफ ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम। वहीं पर अगर हम बात करें जिरकॉन, सो दिस इज द नॉर्मल क्लास ऑफ टेट्रागोनल सिस्टम। देन बेरिल, हेक्सागोनल, जिप्सम बिलोंग्स टू द मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। सो आपको हर एक क्रिस्टल सिस्टम की नॉर्मल क्लास में कौन सा मिनरल क्रिस्टलाइज होता है, दैट्स वाई कभी कभी ऐसे ही बोल देते हैं बेराइट टाइप। दैट मीन्स द बेराइट टाइप, बेराइट जिस सिस्टम, जिस क्रिस्टल क्लास में क्रिस्टलाइज होता है उस क्लास की हम बात कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट जिरकॉन टाइप, बेरल टाइप मीन्स द नॉर्मल क्लास ऑफ दैट क्रिस्टल सिस्टम। सो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर एट्थ वन इज ट्विनिंग कैन एड्स द सिमेट्री एज। सो ट्विनिंग मीन्स द इंटरग्रोथ ऑफ टू क्रिस्टल। दो क्रिस्टल जब साथ में ग्रोथ कर जाते हैं देन दिस फिनोमेना इज नोन एज ट्विनिंग। एंड जो क्रिस्टल हमको फॉर्म हुआ होता है उसको हम कहते हैं ट्विन क्रिस्टल।
सो ट्विनिंग हमेशा सिमेट्री को ऐड करती है, हमेशा सिमेट्री को बढ़ा देती है। सच एज इफ यू हैव द टोटल 9 सिमेट्री एलिमेंट्स, देन डेफिनेटली दे विल इंक्रीज टू 10, 11, वॉट एवर इज दिस, बट वो हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। एंड ये इंक्रीजमेंट एज अ प्लेन भी हो सकता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इंक्रीज हो सकती हैं, आपकी एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी इंक्रीज हो सकती हैं, एज वेल एज सेंटर ऑफ सिमेट्री भी इंक्रीज हो सकती है। सो दैट्स वाई हियर फोर्थ ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। अगर हम बात करें ट्विन प्लेन की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि शो करते हैं विद अ मीडियम ब्रैकेट। देन अगर हम ट्विन एक्सेस की बात करें, तो इसको हम एक मेजर ब्रैकेट या फिर बड़ा ब्रैकेट से इसको शो करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 9th वन इज, इन विच टाइप ऑफ ट्विनिंग द कंपोजिशनल सर्फेस इज इरेगुलर। सो अगर दो क्रिस्टल साथ में क्रिस्टलाइज हो रहे हैं, ट्विन क्रिस्टल हैं, तो डेफिनेटली एक सरफेस होगी जिसके अलाउंग वो ज्वाइंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज द कंपोजिशनल सरफेस। एंड इफ कंपोजिशनल सरफेस इज फ्लैट अ प्लेन लाइक, देन इट विल बी नोन एज द कॉन्टैक्ट ट्विनिंग, जैसा कि आप इस डायग्राम एंड इसमें देख सकते हैं। देन अगर यही इरेगुलर है, अलोंग एन एक्सिस है, जस्ट लाइक अवर फर्स्ट डायग्राम लाइक दिस इरेगुलर है, देन इट विल बी नोन एज द पेनिट्रेशन ट्विनिंग। एंड यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कंपोजिशनल सर्फेस इज इरेगुलर, सो इट इज़ द पेनिट्रेशन ट्विनिंग, थर्ड ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। देन अगर हम कॉन्टैक्ट ट्विनिंग को फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज़ द फ्लैट सर्फेस, सो इसके अंदर दो टाइप्स आ जाते हैं हमारे, पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग एंड साइक्लिक ट्विनिंग। पॉलीसिंथेटिक ट्विनिंग में जब कंपोजिशनल सर्फेसेस एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं लाइक दिस, देन इट इज़ द पॉलीसिंथेटिक। अगर यही एक साइक्लिक मैनर में शो करते हैं लाइक दिस, तो दिस दैट विल बी नोन एज द साइक्लिक ट्विनिंग। सो ट्विनिंग दो टाइप्स, कॉन्टैक्ट एंड पेनिट्रेशन। कॉन्टैक्ट के फर्दर दो डिवीजन है, पॉलीसिंथेटिक एंड साइक्लिक ट्विनिंग। Then let us move to the question number 10th. Which of the following twinning does not belongs to quartz? So quartz crystal shows the different types of twinning. Out of those, some are as Brazil, Dufine and Japanese. But calcite is not shown by the quartz crystal. So here you can see as an diagram, this is the Brazil twin, Dufine, Japanese. So all of these three is shown by the क्वार्ट्ज क्रिस्टल। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कैल्साइट इज नॉट शोन बाय द क्वार्ट्ज। देन क्वेश्चन नंबर 11th वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्विनिंग इज फाउंड इन जिप्सम। सो जिप्सम में भी काफ़ी सारे ट्विनिंग्स मिलती है, एंड सॉरी काफ़ी सारी नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप की ट्विनिंग होती है, दैट इज सैलो टेल ट्विन, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। दिस इज द सैलो टेल ट्विन विच इज शोन बाय द जिप्सम। एंड अगर हम अगर बाकी के तीन ऑप्शंस की बात करें, कार्लसबर्ग, मेन बीच, ब्राविनो, सो दीज ऑल आर बिलोंग्स टू द ऑर्थोक्लेस। सो यहाँ पर हमारा फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 12th वन इज, आयरन क्रॉस ट्विनिंग इज फाउंड इन। सो आयरन क्रॉस ट्विनिंग इज फाउंड इन द पायराइट, दिस इज द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ पायराइट। सो हियर सेकेंड ऑप्शन विल बी अवर राइट आंसर। सो फ्रॉम हियर हमारा क्रिस्टलोग्राफी पार्ट कंप्लीट होता है, बट एक मेन टॉपिक और रह जाता है, दैट इज़ द हरमन मोंगन सिंबल। सो देर आर काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं फॉर डिफरेंट क्लासेस, डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है ताकि आप ये याद कर सकते हैं कि कौन सा हरमन मोंगन सिंबल हमारे कौन से क्रिस्टल सिस्टम, किस क्रिस्टल सिस्टम से बिलोंग करता है। सो यहाँ पर मैंने ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक इन दो को साइड में रखा है, बिकॉज इनको हम याद कर सकते हैं, ट्राइक्लिनिक 1 बार एंड मोनोक्लिनिक 2m एंड 2ym। बट अगर हम बात करते हैं हेक्सागोनल, आइसोमेरिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक की, सो ये लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर हमारे दो डिविजन्स होते हैं, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोनल। सो दिस इज़ द ट्राइगोनल एंड दिस इज़ द हेक्सागोनल। सो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम की जितनी भी क्लासेस हैं उन सभी के हरमन मोंगन सिंबल्स में आपको 6 मिल जाएगा एट द फर्स्ट प्लेस, लाइक दिस 6 6। सो अगर फर्स्ट प्लेस पर 6 है, दैट मींस इट इज़ बिलोंग्स टू द हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल डिवीजन। बट अगर हमको फर्स्ट प्लेस पर 3 मिल जाता है, देन इट इज़ बिलोंग्स टू द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्राइगोनल डिवीजन।
ओके सो दिस इज फॉर द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। देन अगर हम बात करते हैं टेट्रागोनल एंड आइसोमेरिक की, सो आइसोमेरिक क्रिस्टल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास थ्री तो होता है बट कभी भी थ्री फर्स्ट प्लेस पर नहीं होता है। सो इफ़ यू हैव एनी हरमन मोंगन सिंबल जिसमें थ्री है लेकिन फर्स्ट प्लेस पर नहीं है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द आइसोमेरिक क्रिस्टल सिस्टम, आप चेक कर सकते हैं। देन टेट्रागोनल, अगर टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो इसमें फोर होता है फर्स्ट पोजिशन पर एंड थ्री नहीं होता है। कीप इन माइंड, फोर फर्स्ट पोजिशन पर और थ्री नहीं होता है। सो दीज आर फॉर द हेक्सागोनल, हेक्सागोनल डिवीजन, ट्राइगोनल डिवीजन, आइसोमेरिक सिस्टम थ्री बट नॉट फर्स्ट प्लेस, टेट्रागोनल में फोर एट फर्स्ट प्लेस विदाउट थ्री, देन ऑर्थोरम्बिक, ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में टू एंड एम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। सो दिस इज अ शॉर्ट अटेम्प्ट टू लर्न द हरमन मोंगन सिंबल्स फॉर द डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द पेट्रोलॉजी, इग्नियस सेडिमेंटरी मेटामॉर्फिक, जो भी सिक्वेंस हमारी कैम